हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बजाज की तरफ से आने वाली रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रिक ऑटो, जिसका कि आपको दिवाली पे काफ़ी बड़ा और दमदार ऑफर देखने के लिए मिलने वाला है। आप सब लोग सुन के हैरान हो जाओगे। उसको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसी के साथ सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इसके आगे की तरफ से, तो जहाँ पर कि आपको देखो आगे की तरफ मेटालिक आपको काफ़ी बढ़िया इसमें बम्पर दिया गया है, और इसी के साथ इधर की तरफ आपको स्प्रिंग सस्पेंशन दिए जाते हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा एक प्लास्टिक का पार्ट देखने मिल जाता है जहाँ पर कि आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस दे रखा है, और ऊपर की तरफ आपको काफ़ी छोटा सा वाइपर और काफ़ी एक वाइड आपको इसमें विंडशील्ड देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे आपको साइड में इंडिकेटर, और इसके साथ जो आप ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी नए आपको इसमें ORVM दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया और प्यारे लगते हैं देखने में। इंटीरियर में अभी हम बात करेंगे। साइड प्रोफाइल्स आपको सेम वही बजाज आपको जो पहले CNG में देखने के लिए मिलती थी वैसे देखने के लिए मिलती है, लेकिन पर इसमें आपको साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसी के साथ पीछे की तरफ आपको वही 12 इंच के टायर प्रोवाइड करे जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपके MRF की तरफ से आते हैं, और ये आपको 5 नट के साथ प्रोवाइड कर जाते हैं। और यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक के साथ हार्ड प्लास्टिक रबर बिडिंग के साथ आपको इसमें बम्पर प्रोवाइड किया है। पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो RE बजाज की बैजिंग के साथ यहाँ पे E-Tech 9.0 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर कि आपको पीछे की तरफ ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट दिए गए हैं, और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए स्पेशली आपको एक प्लेट दी गई है। नीचे की तरफ आपको सेफ्टी मडगार्ड भी प्रोवाइड किया गया, और ये इसमें आपको ऊपर की तरफ जो है ये आपको सॉफ्ट टॉप देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ अगर इस साइड की तरफ बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये चार्जिंग स्पेस दिया गया है, जिसको कि आप अपने घर के नॉर्मल 16 एम्पियर के सॉकेट के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हो, यानी कि जिससे आप गीज़र वगैरह मशीन वगैरह यूज़ करते हैं उससे। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ मड फ्लैप दिया गया है, और 12 इंच का टायर, और इसी के साथ यहाँ पे देखो आपको एक लॉकिंग गेट मैकेनिज्म दिया गया है, इसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने छोटे मोटे कुछ पेपर वगैरह रख सकते हैं, और ये आपको लॉकिंग गेट के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे पूरा आपको मेटेलिक दिया गया है। यहाँ पे आपको चढ़ते टाइम आपकी गाड़ी पे दिक्कत ना हो इसलिए बोल के यहाँ पे आपको रबड़ का एक पैड भी प्रोवाइड कराया गया, और ये अंदर की तरफ आपको काफ़ी सही स्पेस देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे भी आपको स्पेस दिया गया है। अंदर की तरफ आपको सॉफ्ट टच, और यहाँ पे सारी आपको आयरन की रेलिंग्स, और सेफ्टी के लिए आपको हर पॉइंट पे प्लास्टिक के पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका कहीं सर वगैरह या हाथ लगे तो उससे दिक्कत ना हो। और यहाँ पे इसको आप इजीली लॉक कर सकते हो, आपके कार की तरह लॉक हो जाता है, इसको आप ऊपर करोगे तो ये आपका खुल जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ देखें तो ये आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही के साथ इसमें आगे की तरफ अगर हम ड्राइवर सीट की तरफ बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है टायर रोटेशन बोल के, ठीक है, टायर रोटेशन के लिए, और यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही के साथ यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे ये हैंड ब्रेक दिया गया, और इधर आपको ये रिवर्स ब्रेक वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये एक्सीलेटर प्रोवाइड करा गया, और इसी के साथ ये आपको ऑन और ऑफ वाइपर का बटन, यहाँ पे मीटर आपका फुल्ली डिजिटल रहने वाला, आप जैसे कि देख सकते हो आपको 2 मीटर देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके बैटरी इंडिकेटर वगैरह, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस, और इसी के साथ आपको इसमें बैटरी लेवल देखने के लिए मिल जाता है। इधर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं नॉर्मल रहना है, इसमें आपका न्यूट्रल ड्राइव, और इसके बाद इसमें आपका रिवर्स रहने, इसमें आपके मोड्स रहने वाले। इधर आप इंडिकेटर का दे रखा है, नीचे हॉर्न का स्विच दे रखा है, और यहाँ से आप अपनी लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो हाई बीम और लो बीम के साथ। यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह होल्ड करने के लिए ये दे रखा है, और साथ ही के साथ इसमें आपको ये लाइट का भी दे रखा है, आप लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो लो बीम और हाई बीम के लिए। ऊपर आप अपने फोटो वगैरह कुछ भी रख सकते हो, उसके लिए काफ़ी सही जगह आपको यहाँ पर दी गई है, और इधर यहाँ पर आप स्पीकर वगैरह इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसकी, और यहाँ पे देखो ये आपको दिया जाता है बोतल होल्डर, और आप यहाँ पीछे यहाँ पे अपनी फायर एक्सटिंग्विशर किट वगैरह भी लगवा सकते हो, जो कि CNG में लगी हुई आती है। यहाँ पे ये आपको स्पेस दिया गया है, जिसमें कि आप अपना छोटा मोटा आइटम कुछ रख सकते हो, देखो ये स्पेस देखने के लिए जाता है, अगर आपको इसमें कुछ आइटम वगैरह नहीं रखनी। और ये आप यहाँ पे लाइट दिया जाता है, जो कि अभी जलता है, अभी इसमें पूरी फिटमेंट नहीं की गई है, वीडियो के लिए रेडी करी गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको इसमें सिस्टम वगैरह अंदर से देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसमें आपको लिथियम आयन की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम इसकी एक्शोरूम प्राइस के बारे में बात करें, तो जो कि आपको 3,18,000 का देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन पर दिवाली पे स्पेशली आपको जो इसमें कमी देखी गई है और सबसे बढ़िया आपको ऑफर प्रोवाइड करा गया है, वो आपको 25,000 का डाउन पेमेंट देखने के लिए मिल जाता है। आप 25,000 ला के ये गाड़ी अपनी बनवा सकते हैं, और इसके साथ अपना रोज़गार वगैरह चालू कर सकते हैं।
अगर हम इसकी बैटरी वगैरह के बारे में बात करें तो जिसमें कि आपको इसकी मैक्सिमम पावर जो है 4.5 किलोवाट आवर के जो कि इलेक्ट्रिक में देखने के लिए मिल जाए, 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 45 की आपको इसमें टॉप स्पीड दी गई है। इसी के साथ इसमें आपको 29% की ग्रेडेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही साथ 178 किलोमीटर तक की आपको इसमें रेंज प्रोवाइड करी गई है। इसमें 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी है और इसमें आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर जो कि आपको प्रोवाइड करी गई है। इसी के साथ और चीज़ों में बात करें, इसमें आपको L5M का जो इसमें आपको प्रोडक्ट टाइप देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि कैरिंग वगैरह पैसेंजर व्हीकल के लिए। और इसी के साथ बाकी और चीज़ों के बारे में हम इसमें अगर बात करें जो कि आपको प्रोवाइड कर दी गई है, इसमें आपको चार्जिंग टाइप 4 घंटे यानी कि 4.5 घंटे का चार्जिंग टाइम लगता है और इससे आप 178 किलोमीटर तक की रेंज आराम से ले सकते हैं। व्हीलबेस इसमें आपको 2274 mm का देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आपका जो ट्रांसमिशन रहने वाला है ये आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ जो इसमें हैंडल बार टाइप जो कि इसमें आपको स्टेयरिंग वगैरह प्रोवाइड करी गई है, साथ ही के साथ इसमें आपको ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर के लिए इसमें इसकी आपको सिटिंग ये देखने के लिए मिल जाएगी। ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं इसमें आपको आगे और पीछे की तरफ। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो आगे की तरफ आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। दोस्तों सबसे बढ़िया बात इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि आप जैसे जैसे इसमें आप ब्रेक वगैरह मारोगे तो आपके इस पर पावर भी जनरेट होती रहेगी, आपकी बैटरी इससे चार्ज होती रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ पीछे की तरफ आपको सिंगल शॉक एब्जॉर्बर विद स्प्रिंग के साथ आगे को आपको सस्पेंशन और पीछे की तरफ आपको इंडिपेंडेंट ट्रीलिंग आर्म विद हेलिकल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो चेसी टाइप है वो चेसी विद कैबिन के साथ प्रोवाइड करी जाती है और इसी के साथ इसमें आपको नंबर ऑफ टायर 3 देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। टायर प्रोफाइल के बारे में जैसे कि हमने बात करी, इसमें आपको 12 इंच के टायर प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको ये व्हीकल लेने के लिए आना है शिव बजाज, जो कि आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, गाजियाबाद साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आ रहे होंगे, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ इतना बढ़िया आपको इसमें दिवाली ऑफर वगैरह देखने के लिए मिला है कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, जो कि मैंने इसमें बताया आपको 25,000 रुपये की सिर्फ से सिर्फ आपको 25,000 की इसमें डाउन पेमेंट दी गई है। पहले आपको इसमें ये ऑफर सिर्फ दिवाली तक ही सीमित रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे और नए वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।